तो देखो, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर प्रोजेक्ट नंबर 15 के। तो सबसे पहले आपको दिया गया है शो ग्रॉस प्रॉफिट। आपको देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए आपको करना क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए आपको आना रहेगा डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर मिलेगा आपको फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के अंदर आप आओगे कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर आने के बाद यहाँ पर करोगे अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, और जैसे यहाँ पर अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक करोगे तो यहाँ पर आपको अगर आपका प्रॉफिट हुआ होगा तो इस तरफ दिखाएगा, और अगर लॉस हुआ होगा तो आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको अभी क्या, ग्रॉस लॉस। लेकिन अगर देखो मैं कोई आइटम सेल कर देता हूँ तो जो मेरा प्रॉफिट होगा, जो मेरा लॉस होगा, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वही मेरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर। हमने सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम दोबारा चेक करेंगे, यस करेंगे और F2 बटन दबाकर सेव करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पर, 381,000। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा वो होता है कि सामान बेचने के बाद हमको प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर देखो क्या निकल के आ गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है जो आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद आगे आपने जो सेल कर दिया उसके अंदर जो आपका डिफरेंस आया वो क्या बन जाता है, आपका आपका प्रॉफिट बन जाता है। तो यहां पर हमारा क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपसे क्या पूछा गया था, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट इतना आ रहा है आपका, और नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF बनानी है तो PDF बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे और PDF बनाओगे, और जहाँ पर PDF बनाकर सेव करनी है उसकी लोकेशन डालोगे, ओके करोगे, और यहाँ पर जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर दोगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बन गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों आपके साथ ही साथ, दोनों ही आपके क्या आ जाएंगे, साथ ही साथ आ जाएंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। टोटल बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट, टोटल बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट आपको देखना है तो वो यहाँ से आप देखोगे, और इसके लिए आप यस कर लोगे शो सेकेंड लेवल ऑफ ग्रुप। और जैसे आप यहाँ पर इसको यस करोगे तो हर एक जो ग्रुप के अंदर आपको डिटेल दी गई है वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑल्ट ई बटन दबाओगे, और इसकी भी आप क्या कर लोगे, आप PDF बना लोगे, और ये आपकी बैलेंस शीट रहेगी, और बैलेंस शीट के अंदर आपको सभी चीजों का यहाँ पर बैलेंस दिखाई देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है शो ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड ऑल ग्रुप बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है आपका जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है, जितने भी लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस है आपका, वो सारा बैलेंस आपको एक साथ दिखाता है, चाहे वो आपका परचेज का हो, चाहे आपका सेल्स का बैलेंस हो, चाहे आपका स्टॉक का हो, या फिर आपने जो भी टोटल एक्सपेंसेस करा हो आपका, तो ये आपका क्या दिखाएगा, जितना भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है आपको वो दिखाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में आप आएंगे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ओनली, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, ऑल आइटम करेंगे, और ऑल आइटम करने के बाद क्या करोगे आप, इसको ओके करोगे, और ओके करके जैसे यहाँ पर सेव करोगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा अब आपका,
यहाँ पर अब आपका निकल के आ जाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आप देखोगे कुछ चीज़ों का बैलेंस डेबिट दिखाएगा और कुछ का क्रेडिट। जितने भी आपकी लायबिलिटीज आएंगी वो सभी आपकी क्या रहेंगी, क्रेडिट रहेंगी, और जितने भी आपके एसेट्स रहेंगे उनका बैलेंस आपको डेबिट दिखाएगा, या फिर आपके अगर एक्सपेंसेस हुए हैं तो उनका बैलेंस भी यहाँ पर डेबिट करके दिखाएंगे। अब इसकी भी एक्सपोर्ट करना है तो क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट करोगे, पीडीएफ बनाओगे और सेव कहाँ पर करना है, तो आपने कहा सेव करना है आपको यहाँ पर ही प्रोजेक्ट नंबर 8 के अंदर, तो आपने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। उसके बाद फिर आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है शो बैलेंस शीट विदाउट डिफरेंस। तो यहाँ पर आपका कोई डिफरेंस आ नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, डिफरेंस को ख़त्म कर लिया था। ओपनिंग डिफरेंस जो हमारा आ रहा था हमने उसको ठीक कर लिया था, तो अब यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। और बैलेंस शीट की हमने पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पर बनाई दी है। उसके बाद कहता है शो टोटल सेल विदाउट कैश सेल, यानी कि आप क्या बता दो हमें, वो सेल बता दो जो हमने कैश नहीं करी है। अब कैश नहीं करी तो हमसे क्या पूछा गया है, इसका मतलब पूछा गया है क्रेडिट सेल, यानी कि जितने भी हमने क्रेडिट सेल करी है, उधार में माल बेचा है, हमको क्या करो आप वो वैल्यू बता दो। तो वो वैल्यू देखनी है तो कैसे देखेंगे हम, वो देखने के लिए आपको आना रहेगा अकाउंट्स बुक के अंदर, और यहाँ पर मिलेगा आपको अकाउंट रजिस्टर, और अकाउंट रजिस्टर के अंदर आना है आपको सेल रजिस्टर, और ऑल के अंदर आपको यहाँ पर करना है ग्रुप ऑफ पार्टी। ग्रुप ऑफ पार्टी के अंदर आप यहाँ पर डाल दोगे संडी डेटर, तो डेटर का मतलब क्या होता है, हमने वो सभी माल जो उधार में बेचा है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, और आपका जो भी आपने सेल करा होगा उधार में उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैश सेल देखनी है तो ग्रुप डालोगे और ग्रुप के अंदर आप कैश डाल दोगे, तो आपने जो कैश में सामान बेचा हुआ है उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जो भी आपने सामान कैश के अंदर बेच दिया उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद क्या कहता है, फिर कहता है शो टोटल सेल विदाउट कैश सेल, कैश सेल हो गया, शो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ संडी क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का बैलेंस देखना है तो क्रेडिटर्स का बैलेंस आप कैसे देख सकते हो, कहाँ कहाँ पर क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको दिखाई देगा, तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा आपको क्रेडिटर्स का बैलेंस बताओ। एक तो हमको दिखाई देगा कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर आप आओगे और यहाँ पर यस कर लोगे अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, ओके करोगे, और ओके करने के बाद आप कहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स वाले बटन पे ओके करोगे, एंटर करोगे, और जैसे एंटर कर दोगे उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास क्रेडिटर, और स्किल इसको भी आप क्या करोगे एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या बनानी है आपको, पीडीएफ बनानी है तो पीडीएफ बनाओगे, और सेव कहाँ पर करना है उसके लिए आप लोकेशन दोगे, और यहाँ पर अब आप उसको सेव कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिटर्स हो गए। अब उसके बाद पूछा गया है शो प्रॉफिट वाउचर वाइज, यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है हर एक वाउचर पर, यानी कि जितनी भी आपने सेल करी है आपको देखना है कि हर एक सेल पर मुझे क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, तो वो चेक करने के लिए आपको कहाँ पर आना है, वो चेक करने के लिए आपको आना है MIS रिपोर्ट के अंदर, और MIS रिपोर्ट के अंदर आना है आपको कहाँ पर, आपको आओगे प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, और प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेगा बिल वाइज, और बिल वाइज के अंदर आप क्या करोगे ये चाहिए मुझे, चले जाओ कल ले लेंगे, ठीक है। अब क्या देखना आपको, अब आपको हर एक बिल के हिसाब से इसमें आपको क्या देखना है, हर एक बिल के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पर जितनी भी आपने सेल करी होगी उसका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो अभी देखो आपने एक ही सेल करी है, कह रहा है कि आपका जो सामान था कितने का था, ये 1 लाख का, और आपने उसको बेच दिया
10 लाख का, तो आपका सीधा प्रॉफिट कितना हो गया? 9,40,000 रुपये आपका यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। अगर आपने और भी सेल करी थी होती और भी प्रॉफिट दिखाता, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एक दूसरी कंपनी ओपन कर लेते हैं। MIS रिपोर्ट में आप आओगे और प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स बिल वाइज, और यहाँ पर आप यस करोगे। तो यहाँ पर अब आप देखोगे हर एक सेल पर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर देखोगे आपने सामान बेचा कितने का, 8,12,500 का, और जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 7,70,000 रुपये, और आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 42,500 का। फिर आपने एक सामान बेचा 2,82,000 का, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 2,50,000 रुपये, और आपको सीधा प्रॉफिट कितना हो गया इस पर, 32,000 रुपये। अब कहता है आपने एक सामान सेल किया 9,12,000 का, और जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 8,20,000, और इसमें आपको सीधा प्रॉफिट हो गया 92,000 का। और नीचे आप देखोगे एक सामान आपने सेल कर दिया 1,78,000 रुपये का, लेकिन जो आपने खरीदा था 3,13,000 रुपये का, तो सीधा यहाँ पर क्या हो गया, आपको लॉस हो गया 1,35,000 का। और फिर कहता है कि आपने सामान बेच दिया कितने का, 8,12,500 का, उसकी कॉस्ट कितने की थी, 7,40,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 72,500। और कहता है कि आपने 7 लाख का सामान 2 लाख में बेच दिया, तो आपको सीधा कितने का लॉस हो गया, 5 लाख का यहाँ पर पूरा आपको लॉस हो गया। तो अब आपका यहाँ पर कितना दिखा रहा है, लॉस में दिखा रहा है 3,12,000। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके आइटम का क्या बढ़ा दोगे, रेट बढ़ा दोगे, तो यहाँ पर यही लॉस किस में बन जाएगा, प्रॉफिट में बदल जाएगा। सेव कर दोगे, और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पहले लॉस था क्या बन गया, आपका प्रॉफिट बन गया। तो कह रहा है कि आपका सामान 7,40,000 का था, और वही सामान आपने कितने का बेच दिया, 8,50,000 का बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट हो गया इसमें आपको 1,10,000 का। हो आपको जो सिर्फ लॉस हुआ है वो सिर्फ इस पार्टी को सेल करने में हुआ है, बाकी सब में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, और एक्सपोर्ट करने के बाद आगे क्या करना है, आपको PDF बनाकर ओके करना है, और ओके कर देना, ठीक है, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, शो ऑल इन्वेंटरी एजिंग रिपोर्ट्स। अब एजिंग क्या होती है, डेज वाइज स्लैब होती है, इसके लिए आप इन्वेंटरी समरी में आओगे, और नीचे मिलेगा एजिंग फीफो बेसिस, आइटम वाइज और ऑल आइटम, और यहाँ पर आपको डेज के हिसाब से देखो ये स्लैब बनाकर दिखाता है कि भाई कौन सा सामान हमारा कितने दिन में बिक जाता है, कि हमें देखना है कि भाई कौन सा हमारा सामान जल्दी बिकता है और कौन सा सामान हमारा बाद में बिकता है, तो वो चेक करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप ये देख लोगे, अब जैसे कि यहाँ पर आइटम दिखा रहा है कि अभी ये जो आइटम है इसको अभी 0 से 30 दिन हुए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर डेट चेंज कर दोगे, जैसे मैंने डाल दी 8-10, तो 8-10 में आप देखोगे अभी सामान क्या हो गया, 151 दिन हो गए, और अगर यहाँ पर आप डेट डाल दोगे 30/6, तो ये आपका 61 से 90 दिन के बीच में आ जाएगा। तो ये हमें देखना रहता है कि कौन से प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा बिकते हैं और कौन से प्रोडक्ट को हमारा कम टाइम लगता है बिकने के लिए, तो हम उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट को आगे खरीदते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसका एक चीज़ और भी होता है, यहाँ पर आप ना ये डेज अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते, उसके लिए इसके अंदर एक ऑप्शन आता है,
एजेजिंग टाइम स्लेव्स इन्वेंट्री। अभी देखो 0 से 30 दिन का बना हुआ है, आप इसको कम भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है 0 से 20 दिन और 20 से 60, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 90, 60 से 80 और 80 से 100। अच्छा तो यहाँ पर आपको 21 करना है। अब यहाँ पर देखोगे इन्वेंट्री के अंदर आकर और इन्वेंट्री समरी में एजिंग वर्सेस आइटम वाइज और ऑल आइटम, तो ये डेज का ना जो टाइम पीरियड था वो कम कर देगा 0 से 20 दिन और उसके बाद 21 से 40, 41 से 60 और 61 से 80 और 81 से 100। इसी तरह से अगर आपको अकाउंट्स के अंदर भी करना है तो अकाउंट्स के अंदर भी आप कर सकते 0 से ठीक है। और अकाउंट के आपको जो देखने के मिलेगा वो यहां पर मिलेगा एजिंग रिसीवेबल और पार्टी वाइज ऑल पार्टीज करोगे तो यहां पर डेज स्लेव आ जाएगी भाई किन किन पार्टियों को कितने कितने दिन का टाइम पीरियड हो गया है वो देखने के लिए आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे ठीक है। उसके बाद कहता है शो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक विद वैल्यू। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है हमें वो देखना है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है आपका जो भी आपका 31 मार्च को क्लोजिंग होता है वही हमारा सारा का सारा स्टॉक 1 अप्रैल में क्या बन जाता है ओपनिंग बन जाता है। अगर हमें वो चेक करना है तो उसके लिए आपको कहाँ आना रहेगा, उसके लिए आप आओगे स्टॉक स्टेटस के अंदर और यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको ओपनिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल। क्या चेक करोगे आप ओपनिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल बैलेंस ओनली और बैलेंस ओनली के अंदर क्या देखोगे आप ऑल आइटम और जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा वो सारा का सारा हमारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा। तो कह रहा है कि आपके पास ये सारा ओपनिंग स्टॉक है ठीक है। अगर इसका भी एक्सपोर्ट करना है तो PDF बनाओगे और इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर लोगे। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, उसके बाद कहता है शो कैश बुक विथ बोथ बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस। अब हमें क्या करना है कैश का और बैंक का बैलेंस दोनों का बैलेंस एक साथ देखना है, तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों अगर आप एक साथ देखोगे तो वो देखने के लिए आपको आना है कहां पर, वो देखने के लिए आना है आपको कॉलमर रिपोर्ट और यहाँ पर आना है कैश बुक एंड बैंक बुक और यहाँ पर कैश और बैंक दोनों को सिलेक्ट करके F2 बटन दबाकर सेव कर देना है। और अब आप आओगे डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले के अंदर आपको आना है अकाउंट बुक के अंदर और यहाँ मिलेगा कैश बुक और बैंक बुक और सिंगल कॉलम नहीं, अगर आपको सिर्फ कैश ही देखना है तो कैश और अगर आपको सिंगल बैंक देखना है तो बैंक, वो तो हम लेजर से भी देख सकते हैं लेकिन हमें दोनों का बैलेंस एक साथ देखना है जिसके अंदर हमें क्या दिखा दे कैश का बैलेंस भी दिखा दे और बैंक का बैलेंस भी दिखा दे। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा यहाँ पर मल्टी कॉलम और मल्टी कॉलम आप करोगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे दोनों का बैलेंस आ जाएगा, किसका कैश का भी कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट और नीचे बैंक रिसिप्ट और बैंक पेमेंट, तो जितने भी आपके बैंक वगैरह रहेंगे उन सभी का बैलेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे ठीक है। ये कहलाता है मल्टी कॉलम और यहाँ पर अब आप क्या करोगे इसकी भी एक्सपोर्ट करके PDF बना लो। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हाउ टू प्रिंट ऑल सेल इनवॉइस एट वन टाइम। अब हमें क्या करना है जितने भी सेल हुई हमारी हमें उन सभी के सेल इनवॉइस एक साथ ही एक बार में प्रिंट करना है जितनी भी हमने सेल करी है। तो अगर आप सिंगल सिंगल करने जाओगे तो हो सकता है अगर 500 इनवॉइस हो आपको 200 हो 500 या 1000 हो तो उसमें आपको 2 से 3 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप
डायरेक्ट एक बार में सारे प्रिंट करना चाहते हो तो आपका आना है प्रिंट एंड ईमेल पर, और सबसे नीचे आना है प्रिंट यूटिलिटी, और यहाँ पर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, सेल इनवॉइस, डेट वाइज, और यहाँ पर आप करोगे ऑल, यहाँ पर भी रखोगे आप ऑल, यहाँ पर भी रखोगे आप ऑल, और डेट डालोगे कब से लेके कब तक, और यहाँ पर आप करोगे अगर प्रीव्यू, तो यहाँ पर आप देखोगे जितने भी आपके इनवॉइसेस बाप ने करे होंगी सेल, वो सारे के सारे एक बार में बन के आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपने अभी तक टोटल जो सेल करी 8 करी है, तो 8ों के बिल आपके पास निकल कर आ जाएंगे वन टाइम में। और अगर आपको क्या करना है इसे एक्सपोर्ट करना है, तो यहीं से आप क्या कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे, और ये सारे के सेल इनवॉइस आपके पास एक बार में ही आ जाएंगे। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है कि जितनी भी परचेज करिए उन सभी के इनवॉइस भी प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए भी क्या करोगे, उसके लिए भी आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा सेल की जगह आप क्या रखोगे, आप परचेज करोगे, डेट वाइज ऑल करोगे, और यहाँ पर डेट डालोगे 4 से लेके 31/3, और यहाँ पर क्या करोगे आप प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू, और एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर दोगे। तो अब आपका क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद फिर आपसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ए और कंट्रोल एल, डिफरेंस क्या है कंट्रोल ए में और कंट्रोल एल में। देखो कंट्रोल ए क्या काम करता है आपका, अगर आप कंट्रोल ए बटन दबाओगे तो आप यहां पर किसी भी पार्टी का या किसी भी लेजर का मंथ के हिसाब से स्टेटस चेक कर सकते, हर एक मंथ की डिटेल देगा आपको, लेकिन ऑल्ट एल में क्या देगा आपको, डेट के हिसाब से जो भी हमें डेट रखनी है। यहाँ पर तो आपका पूरा मंथ रहेगा, अप्रैल देखना है तो अप्रैल से अप्रैल रहेगा, लेकिन आपको अगर लेजर में चेक करना है तो लेजर के अंदर आप क्या कर सकते हो, 1 अप्रैल से लेकर आप यहाँ पर 10 अप्रैल तक देख सकते हो, लेकिन अगर आपने कंट्रोल ए किया है तो कंट्रोल ए में आपको पूरा मंथ का दिखाएगा, और ये आपकी पूरी मंथ की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आज पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन प्रोजेक्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।